नाउ सो दिस इज पी वाई क्यू परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस 1983 में एक क्वेश्चन पूछा था वो ये है एन मैन एंड एन वुमेन आर टू बी सीटेड इन ए रो सो दैट नो टू वुमेन सीट टुगेदर इफ एन इज ग्रेटर देन एन सो दैट द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी सीटेड इज दिस जब ऐसा होगा सो दैट मीन्स क्या ये इसको बोलते हैं गैप मेथड का क्वेश्चन है ऐसा देखो ए वन ए टू सो दिस इज वेल क्लियर सो ए वन ए टू एम ए मैन है मैन बैठ गया जैसा देखो मैंने ऐसा कंसिडर किया क्लियर एम मैन मैंने ऐसा पांच मैन को कंसिडर किया एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव तो इस पर गैप कितना हो रहा है देखो एक दो तीन चार पाँच छ है तो नंबर ऑफ मैन फाइव होगा तो छह गैप होगा नंबर ऑफ मैन टेन होगा तो इलेवन गैप होगा नंबर ऑफ मैन एम होगा तो गैप कितना होगा एम प्लस वन है तो एम प्लस वन गैप में एन वुमेन को फिल करना है सो दैट मीन्स एम प्लस वन गैप में एन वुमेन को फिल करना है इट कैन बी पॉसिबल इन हाउ मेनी वेज ना एम प्लस वन सी एन है एंड ये जो नंबर ऑफ मैन है दे कैन बी अरेंज देमसेल्फ क्लियर इन फैक्टोरियल वाइज और जितना वुमेन है वो भी एन वुमेन है एन वुमेन कैन बी अरेंज देमसेल्फ इन टू इन फैक्टोरियल वाइज ठीक है एन पे एन सी आर का फॉर्मूला लगाया सो दिस ये देखो इसका सब तो कैंसिल हो गया ठीक है अभी जो रिमेनिंग पार्ट है सो दिस क्लियर सो माय डियर फ्रेंड्स सो ये 1983 का क्लियर ए स्टेटमेंट तो ये क्वेश्चंस में तो यूज होता है यू कैन रिमेंबर दिस वन काफी क्वेश्चंस ऐसा मिलेगा इसका डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई होगा सो दिस इज वेल क्लियर इसको बोलते हैं गैप मेथड का क्वेश्चंस है